पुलिस को जानकारी मिलती है कि विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद के एक होटल में छिपा है। इनपुट के बाद पुलिस लाव लश्कर के साथ सिविल ड्रेस में होटल के अंदर छापेमारी करती है, लेकिन पुलिस के हाथ विकास दुबे नहीं आया। दावा है कि पुलिस के आने से पहले उसे रेड की खबर मिल गई और पुलिस के आने से पहले ही वो खिसक गया। सूत्रों की माने तो होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में विकास की झलक दिखी, लेकिन सीसीटीवी में देखने वाला ये व्यक्ति विकास दुबे ही है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल इस घटना से ये बात तो साफ है कि विकास का नेटवर्क पुलिस डिपार्टमेंट में काफी गहरा है। विकास दुबे ने छोटे मोटे क्राइम के बाद अपने अपराधों का एक बड़ा किला तैयार किया, जिसमें बाकायदा अपनी सुरक्षा के लिए सेनापति भी रखा। सेनापति वो जो खाता सरकार का था पर गाता विकास का। इसके अलावा अपने लिए युवाओं की फौज तैयार की ताकि उस पर कोई आसानी से हमला ना कर सके। आलम यह है कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि विकास फरीदाबाद के होटल में है, उससे घंटों पहले विकास को पता चल जाता है कि पुलिस आने वाली है। जरा सोचिए पुलिस महकमे की नाकामी की हद। 3 तारीख से फरार विकास दुबे आज अभी तक पकड़ में नहीं आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही है, कर तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही जात के लोगों की गद्दारी से परेशान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा विपक्ष कर रहा है। दोस्तों हाल ही में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का एक ऑडियो क्लिप मिलता है और फिर एक लेटर भी जो उस समय एसएसपी अनंत देव तिवारी के नाम होता है। उसमें विकास दुबे की आपराधिक घटनाओं का विवरण तो होता ही होता है, साथ साथ एसओ विनय तिवारी के खिलाफ शिकायत होती है कि कैसे वो जूनियर होते हुए भी बिना बताए तमाम अपराधियों को छोड़ देता है। लेकिन साहब अनंत देव इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। खैर देर शाम अनंत देव जो पिछले महीने एसटीएफ के डीआईजी पद पर तैनात थे और विकास की खोज में लगी टीम के साथ काम कर रहे थे, उन्हें एसटीएफ से हटाकर पीएसी मुरादाबाद शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके तार विकास के साथ जुड़ना शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्वीट में एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि एसटीएफ के डीआईजी के साथ जो व्यक्ति खड़ा है इसका नाम है जय। जय विकास दुबे का खंजांची था, उसकी करोड़ों की दौलत वही देश विदेश में खपाता था। फोटो में ही डीआईजी साहब का प्रेम साफ साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि यूपी एसटीएफ के अधिकारी की संपत्ति की जांच हो जाए तो ऐसे कई विकासों के उनके रिश्ते निकल आएंगे। मामूली थानेदार तो निलंबित हो गए, लेकिन विकास दुबे को पालने वाले बड़े अधिकारी और बड़े नेता, उनका कुछ नहीं हुआ। समाजवादी नेता के इस ट्वीट के बाद ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जिस हिसाब से विकास दुबे के ऊपर 60 से अधिक धाराओं में केस दर्ज था, उसके बावजूद उसका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में नहीं था, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। अनंत देव तिवारी यूपी पुलिस के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन कानपुर कांड के बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।